योग कितनी स्टेज और सुनाते हो? चार तो बताए, याद रहेगी। मनन, चिंतन, दूर यहाँ फरिश्ता स्थिति और पावर को बीज स्थिति। लेकिन तीन और स्थितियों का भी आप सब अनुभव कर सकते हैं। एक बाबा कहता है, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। सूर्य माना ऐसा नहीं कोई तेज निकल रहा है, उसकी गर्मी हमारे तक आ रही है, लेकिन सूर्य की शक्ति भी परिवर्तन के लिए बहुत महान मानी गई है। अगर कुछ दिन सूर्य न निकले तो परिवर्तन संभव नहीं है। सूर्य की किरणें सागर में पड़ती, उसका खारापन निकल करके मीठा पानी आकर के बरसता। सूर्य की किरणें कीचड़ पर पड़ती, कीचड़ निकल सूख जाता, सफाई हो जाती, गंदगी खत्म हो जाती। सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर पड़ती, उसको ऑक्सीजन मिलती, वो हरे भरे खिल जाते, अच्छी हो जाती, सुगंध आ जाती। सूर्य की है, लेकिन उसकी किरणें भिन्न भिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है। हम सब जब योग अभ्यास करते हैं तो ये प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, और उस ज्ञान सूर्य बाबा की सब शक्तियों की किरणें। ऐसे नहीं कलर थेरापी करने लगना, कई लोग कलर थेरापी को भी आजकल मानते हैं, सात कलर आ रहे हैं, ये रंग आया, वो रंग आया, इसमें बूझना नहीं, गर्मों के चक्कर में चले जाना। एक रंग में सब रंग समाये हुए हैं, कौन सा? वाइट कलर जो हमारा है। अगर बाबा की वो पवित्र लाइट की किरणें आत्मा तक आ रही हैं तो सब शक्तियाँ उसके अंदर समाई हुई हैं। सात गुण हैं और सातों गुणों में आत्मा जब सत्व प्रधान है, सत्व गुणी है, तो शरीर निरोगी है, कोई भी विकारी संस्कार नहीं है। हम सब पुराने संस्कारों को जलाना चाहते हैं, कहते हैं संस्कारों का संस्कार करना है योग की अग्नि से, वो तभी संभव है जब हम बहुत शक्तिशाली योग में रहे। इन शब्दों से योग कैसे किया जाए? एक बाबा का ज्ञान सूर्य का स्वरूप, जिसके द्वारा वो बहुत शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा पर आती हैं, जैसे सूर्य की किरणें किसी कांच पर पड़ती हैं और उस कांच के द्वारा अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ समय वो एकाग्र रहती हैं तो वहाँ पर अग्नि पैदा कर देते, उस स्थान पर आग जल जाती है। तो ऐसे ही जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके अभ्यास करते हैं, बाबा के शब्द याद होंगे, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। मेरा क्लास आप सब सुनना नहीं, अनुभव करते जाना, अनुभव करना थोड़ा सा। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें इस पर एकाग्र कर लेते हैं, वो एकाग्र हुई शक्तियां अगर संकल्प में उठ जाए कि ये होना चाहिए, तो वहां पर उस एकाग्रता की शक्ति से परिवर्तन संभव है। अगर आप अपने संस्कारों पर भी ध्यान देते हैं कि ये मेरा संस्कार ठीक नहीं है, ब्राह्मण जीवन में मेरे मार्ग में ये मुझे रुकावट डाल रहा है, क्योंकि दूसरा अगर आपका ध्यान खिंचवाएगा कि आपका ये संस्कार ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपको उसको सिद्ध करने में अहंकार आ जाए, नहीं मैं तो ठीक हूँ, आप गलत हैं। लेकिन हर आत्मा अपने निजी संस्कारों को समझती है। जो बाबा की मूल्य रोज स्टडी करते हैं उनको पता चलता है कि ये संस्कार मेरा दायित्व नहीं है और इस संस्कार को मुझे जलाना है, इस संस्कार को मुझे गलाना है, इसको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें एकाग्र करके अपने मूर्ति पर, चमकती हुई मणि पर, अनुभव
उन शक्तियों को रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे वो संस्कार समाप्त हो रहे हैं, संकल्प भी देंगे, इसलिए संकल्प शून्य हो जाएंगे। मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा हूँ और ये मेरा संस्कार देह मान वाला इसको मुझे समाप्त करना है। पहले तो संकल्प है ना, मुझे परिवर्तन करना है। कई तो अपने संस्कार को गलत समझते ही नहीं, कहते तो नेचुरल है, ये तो होगा ही, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर वो क्या परिवर्तन करेगा? जब तक कोई ने किसी संस्कार को गलत महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन तो संभव नहीं। कितना योग लगा, अगर सचमुच लगता है कि मेरे इस मार्ग के अंदर मुझे संपूर्ण बनने में, फरिश्ता बनने में, कर्मातीत बनने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये विघ्न रूप है, मुझे इसको खत्म करना ही है, तब हम ये योग करें कि आत्मा इस प्रकृति आसन पर चमकती हुई मणि जिस पर शिव बाबा की बहुत डायरेक्ट किरण ज्ञान सूर्य की आई और उस संस्कार को भस्म कर रही है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते